बुलेटिन में आगे आपको जानकारी दें तो बताया जा रहा है कि बगहा में मातुल्य हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल संचालक का कहना है कि क्षेत्रवासियों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। देखिए रिपोर्ट। बगहा नगर स्थित चित्रांगदा सिनेमा चौक के पास में बताया जा रहा है कि मातुल्य हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। हॉस्पिटल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह के साथ ही बगहा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के द्वारा और साथ ही डॉक्टर अदबन के द्वारा किया गया है। जानकारी देते चले तो समाज सेवी विजय सिंह चंदेल ने भी संयुक्त रूप से फीता काट कर शुभारंभ किया। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नंदलाल यादव ने बताया है कि बगहा में हॉस्पिटल खुलने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को कम खर्चे पर बेहतर इलाज का सुविधा मुहैया कराना एकमात्र कारण है। उन्होंने बताया है कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के मरीजों का बेहतर इलाज किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर संदीप यादव और डॉक्टर कमरू जमा जैसे योग्य और अनुभवी डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। निर्देशक ने बताया है कि महिला संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभधा सिंह के द्वारा किया जाएगा। शुभारंभ के समय में स्थानीय तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मातुल्य हॉस्पिटल है जो कि बगहा वन माँ सेवा सदन में खुला है। यहाँ पे चार पांच डॉक्टर्स बैठे हैं। पहला डॉक्टर सिद्धा सिंह है, उन्होंने MBBS और MS उन्होंने PGI रोहतक से किया है और SRC टेंथ से किया है। इनकी स्पेशलाइजेशन बचपन पे है, IVF और सैरोगेसी को लेकर है, जो कि जिन माताओं में प्रेगनेंसी के समय HB4-3-2% रह जाता है, जो कि हमारे बगहा को छोड़ के और बेटिया और गोरखपुर की हो जाता है। हम चाहते हैं उन जितनी भी महिलाओं से कि एक बार आके डॉक्टर शुभदा सिंह को दिखाएं और उनका लाभ उठाएं। और कौन कौन से दिखाते डॉक्टर? यहाँ पे डॉक्टर संदीप यादव है जो कि MD मेडिसिन है, जो कि आप नॉर्मली जितने भी आपकी मेडिसिन के जो भी गठिया रोग पेट के दर्द ये सबके इलाज करते हैं। डॉक्टर कमरू जामा सर हैं जो कि आपकी सर्जरी और जितनी भी सर्जरी जो भी जनरल सर्जरी है वो यहाँ पे करते हैं, जैसे आपका GB स्टोन कोई भी खर्निया हर तरह के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। साथ ही साथ हमने ऑपरेशन के साथ यहाँ पे OT रखा है प्लस NICU किया रखा है। हमारे जितने बेड हैं सब पे ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन है भी बेड टू बेड है, जिससे किसी भी लोगों को कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। हम चाहते हैं जो पेशेंट गोरखपुर बेतिया बगहा बेतिया और पटना जा रहा है वो एक हमारा आके हमारी सेवाओं का उपलब्ध। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए हम विशेष सुविधा रखते हैं। हम यहाँ पे फीस अपनी माफ कर देंगे, प्लस ये जो भी हमारी सेवाएं हैं वो जेंडर यानी कास्ट टू कास्ट रेट पे रखेंगे। सर यहाँ पर सेवा कितने होगा? 24 आवर ये हॉस्पिटल खुला रहेगा, हर एक इमरजेंसी सेवा रहेगी। संचालक इसके हैं डॉक्टर ML यादव जो कि पूरा मैनेजमेंट देखते हैं और साथ ही साथ सब डॉक्टरों का जितना भी रूटीन जितना भी है वो संचालित करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अमित अखिलर, मैं ICU यहाँ का देखता हूँ, ICU केयर देख रहा हूँ, ICU यूनिट देख रहा हूँ, प्लस जितने भी क्रिटिकल केस हैं जो भी हमसे मैनेज हो जाता है इवन लास्ट स्टेज तक हम मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो हम जो रेफर करेंगे हायर सेंटर्स पे जो कि ऑथराइज होगा, चाहे आपका